अस्सलाम वालेकुम टीचर मुमताज, इस्लामियात 5 क्लास। आप बच्चे अपने इस्लामियात की किताब खोलें और उसमें से आज का अनवान है हमारा सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहमियत। अपनी किताब खोलें, शाबाश, और किताब के पेज पे डेट लगाएं आज की, आज का दिन लिखें, शाबाश। और मैं पढ़ती हूँ तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। सुन्नत के लफ्ज़ी मानी रास्ता और तरीक़ा के हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिही वसल्लम के अमाल और अफ़ाल को सुन्नत कहते हैं। अमाल और अफ़ाल, ठीक है, अमाल अमल की जमा, अफ़ाल फ़ेल की जमा, यानी कि उनके काम को, जो काम उन्होंने किए उसको सुन्नत कहते हैं। अल्लाह ताला ने वही के ज़रिए अपना पैगाम रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तक पहुँचाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अल्लाह ताला का पैगाम ना सिर्फ लोगों तक पहुँचाया बल्कि अपने अमल के ज़रिए उसकी मुकम्मल तशरीह भी कर दी, यानी कि अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर अमल करके दिखाया। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़िंदगी को बेहतरीन नमूना करार दिया है। अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जमा, यकीनन तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में उमदा नमूना है। ठीक है बेटा, पीछे इसके देखें, पेज आगे देखें। इसका पहला सवाल है, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या मुराद है? ठीक है, ये पहला सवाल है हमारा, शॉर्ट क्वेश्चन। आपने आज तक यहाँ पे डेट लगाएं और ये सवाल बेटा बेटा अच्छे तरीके से याद करना है इसको, और फिर अपनी कापियों पे इसको ज़बानी लिखना है।